तीन दिन आपके पास व्लॉग नहीं आने का रीज़न ये था, जो हम घूमने के लिए गए थे वहाँ पर, जो पोइचा हम गए थे वहाँ पर हमने 5 कैमरों से शूट किया था, और 5 कैमरों का जो शूट था और उसको साथ में एडिट करने में कुल लग गए 2 दिन, और 2 दिन लगे, वो वीडियो बनी इतनी ज़्यादा बड़ी कि हमने सोचा कि उसके 2 पार्ट कर दें। 2 दिन एडिट करने में लगे, दो पार्ट कर दिए उसके। एक अपलोड किया तो उसमें कॉपीराइट आ गया, उसको फिर से एडिट करना पड़ा, तो उस प्रोसेसिंग में और रेंडर में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और बहुत ज़्यादा यानी 2-3 दिन से ये वीडियो के चक्कर में सारा मैस हो रखा है। पर वीडियो आपके पास आ गई होगी, और आई होप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और लाइक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी YouTube का जो नया अपडेट आया है वो आपको देखने मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज से हम बैक टू हमारे रेगुलर व्लॉगिंग पे आ गए हैं, ट्रैवल व्लॉग्स हुए ख़त्म, और मैं अभी जस्ट नहा के निकली हूँ और अब हो जाती हूँ रेडी। रेडी होके फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। बोल दो चिकू, आयशू यूँ कहते चिकू, बोलो चिकू, अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, चिकू 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 चाचू, चिकू चाचा ही कहते, एक बार चिकू चाचा ही कहते, हाँ कोको दूंगी, चिकू चाचा ही बोलो, चाचा चिकू चाचा चिकू चिकू, वापिस से बोलो, वापिस से चिकू चिकू चिकू, हेमी चिकू बोलो ना, हेमी चिकू बोलो ना, चिकू बोल दो, इम्मी सीख गई है चिकू बोलना, तो आज बोल रही है चिकू चाचा, चिकू चाचा चाचा, चिकू बोलो, चिकू एक बार अच्छे से चिकू बोलो, चिको चिको, घूमी घूमी करने के बाद ये आ जाई है यहाँ पे, फिर से जाए घूमी घूमी करने, हाँ तेते अहो माय फोन माय माय माय। चलिए तो हिमायरा आ चुकी है और हिमायरा के साथ मस्ती कर रहे हैं हम अभी, और हिमायरा ने फर्स्ट यानी चिकू का नाम लेना सीख लिया है, और वो भी हम इतने दिन साथ में रहे, जो मेरा टोन है वही उसी में बोलना सीखी। अब ये वीडियो मैं चिकू को भेजने वाली हूँ, चिकू को भी देख के काफ़ी मज़ा आएगा। तो अभी मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट में आज कॉफ़ी ली है, बाकी कुछ भी नहीं लिया है, और मेरा है अभी मॉर्निंग मेकअप, 11 बजे मुझे जाना है शॉप पे जल्दी से जल्दी, तो चलते हैं और हिमायरा को भी इसके घर पे रख देते हैं, और लंच की थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ, बाकी लंच आज मेरे को लगता नहीं है मुझसे प्रिपेयर हो पाएगा, क्योंकि मुझे शॉप पर आज पूरा दिन काम रहेगा, क्योंकि नॉन स्टॉप मेरे मेकअप्स हैं। शाशा का कॉल आया था तब तो आपने बात नहीं करी, अब शाशा शाशा कर रही हो, हाँ हाँ अब तो एक ही रट है, चिको 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 चिको, का कर लियो का पक्का, ये बोलो पक्का, नो 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 चाचा पक्का, ये बोलो पक्का पक्का पक्का, हाँ नो बेटा नो 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 नो, चाचा चाचा डांटते हैं फिर अपन को, पता फिर भूत करते हैं, भूत ऐसे 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 करते हैं, भूत ऐसे करते हैं, भूत भूत गुजु 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 गुजु, मेरे को भी सुला दो ना आपकी गोदी में, बस ए मेरे को लाडू लाडू कर दो, लाडू लाडू कर दो, लाडू लाडू कर दो, मेरे बेटे को कर, मेरी शाशी कर दो, मेरी शाशी हिमी की चाची चाची, रोमा ये बोल दो, रोमा रोमा बोल दो, वो तो पता है मैं हूँ यू, रोमा ये रोमा बेबे रोमा बेबे बेबे बेबे, मैं हो चुकी हूँ रेडी शॉप पे जाने के लिए, क्योंकि मेरा मेकअप था 12 बजे और क्लाइंट का कॉल आया कि मैं जल्दी आ रही हूँ 11 बजे, तो कुछ भी लंच की प्रिपरेशन नहीं हुई है, और मुझे अभी जाना है शॉप पे, और मेरे शूज़ हैं वो अंदर अंदर से लेके आते हैं, तो अब चलते हैं शॉप पे। मेरे कैमरे की बैटरी भी लो हो रही है, दैट्स फाइन, अपने पास थी बैटरी तो यहीं पर हो गई चेंज, वो कम बैटरी थी वो अंदर पर्स में रख दी है, और अब सीधे शॉप पे, गर्मी बहुत ज़्यादा है,
मैं कौन हूँ चिकू चाचू ये कौन है? तो थोड़ी देर वेट करने के बाद शॉप पे आने मिल गया क्योंकि चिकू भी काम कर रहे थे वहाँ पर नौपंचाल ज्वेलर्स पे। आपने जैसे कि देखा ही अभी सारा टैगिंग का काम चल रहा है, नौपंचाल ज्वेलर्स की पूरी पैकिंग आ गई है हर एक चीज़ की, अब धीरे धीरे आ जाएगी। शॉप पे आगे सारा अरेंज करके रख दिया है मैंने क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ, सो सारा मैंने अच्छे सेट कर दिया ताकि मुझे जल्दी से जल्दी सारे काम हो जाए। बाकी नहीं तो ये एक चीज़ कहाँ यूँ करने में ही टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो सारा रीअरेंज करने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो एक चेयर यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी सो हेल्प हो जाएगी। अभी जस्ट हुए हैं मेकअप सारे कम्प्लीट और आप सलोन की हालत देख सकते हो कैसी हो रखी है क्योंकि सारा अकेली कर रही थी इसलिए। और मेरा अभी तक सुबह का लंच करना बाकी है और अभी हो गया टाइम 4:30। और मैंने जो लिपस्टिक का शेड लगाया है वो आपको कैसा लग रहा है बताओ, क्योंकि मैंने आज हमारी शॉप पर एक न्यू प्रोडक्ट आया है वो लगाया है। हमारे पास आई है मिस कॉस की लिपस्टिक्स जिनकी हमारे पास नेल पेंट अवेलेबल थी और सिंदूर भी आ चुका है उनका और लिपस्टिक काफ़ी अच्छी लग रही है और मैट है। ये सारे लिपस्टिक्स के शेड्स हैं और ये सिंदूर रियल गंगा जल इसके अंदर इंक्लूड है और रेड कलर भी है इसमें, ये रेड कलर, ये थोड़ा सा मरून कलर कि विमेंस दो कलर के सिंदूर लगाना पसंद करती है, कोई रेड कलर का करती है कोई मरून कलर का करती है। तो प्रॉपर मरून शेड तो नहीं है, रेड का थोड़ा सा डार्क शेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज तो मैंने लगा रखा है, नहीं तो मैं आपको एक आज हालांकि मैं एक परचेज़ तो कर ही लूँगी क्योंकि मुझे लिक्विड सिंदूर वैसे ही चाहिए था, मेरे पास ख़त्म हो चुका है तो अपने पास मिसकॉस का आ गया वही ले लेते हैं। तो मैं लूँगी रेड कलर, तो लगे हाथ परचेज भी कर लेते हैं, फर्स्ट बोनी मेरे हाथ से मांग भी खरीदनी पड़ रही है क्या मेरे को, तो तुम ऐसे दोगे ना। अभी बज गई है 5 और मुझे बैठा रखा है कि मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ करके क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया है अभी तक और इन्होंने जल्दी मैं लिस्टिंग कर दी सेल के अंदर। तो सेल के अंदर से अब परचेज़ के अंदर करने में इन्होंने बोला था फिक्स 5 मिनट, 4:53 पे मैंने बोला था और 4:58 हो चुकी है, मैंने बोला था कि 58 पे हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है। और देखो काम अभी तक चालू है, चैलेंज तुम्हारा अधूरा हो गया। तो अभी तुमने पूरे ले लिए 8 मिनट 7 मिनट। लंच करने तो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि अभी आ रहे हैं कस्टमर्स, हो इसीलिए लंच करना जाना हुआ कैंसल, मेरे लिए सिर्फ जूस मंगा दिया है तो अभी जूस ही पी लूँगी। लगे हाथ अब तो डिनर ही करूँगी क्योंकि 5 तो बज चुकी है, अब तो क्या ही खाना खाऊँगी क्योंकि मुझे अभी कस्टमर आ रहे हैं, लगभग आधा घंटा तो लगेगा उनको फ्री करने में। सैलून में काम किया और अभी बज गई हैं 6, 1 घंटा हो गया है और मैंने लस्सी पी ली तो थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। चिकू ने पहले तो बोला था जूस मंगाऊंगा पर जूस मिला नहीं तो लस्सी पी ली और लस्सी का ग्लास मैंने उधर ही पी रखा है। और मुझे अब आज पता चला कि आज यानी चिकू ने ही बताया कि वो चिकू ने पर्स के अंदर रख दिया है मेरा सिंदूर, आज तो सूखा लगा रखा है, कल लगाते हैं सिर धो के साड़ी पे और यूँ सूखा अच्छा लगता है। तो रेगुलर तो होता है ना कि लिक्विड ही हो तो सही है। सुबह ना भूख भराड़ अब घर पे जाते हैं खाना वगैरह कुछ तो खा लेते हैं, नाश्ता हो जाएगा। शॉप कर देती हूँ, 6:30 हो चुकी हैं और अपने घर पे जाने का टाइम भी हो गया है। तुम मेरे को घर तक छोड़ दो, घर पर आ गए, थोड़ी करते हैं पेट पूजा और फिर बाकी के काम क्योंकि पेट पूजा इज़ द मस्ट। पेट पूजा के लिए अपन ने लिया है सुबह की दाल रोटी और सुबह का खाना शाम को खाया जा रहा है 6:30 बजे, पर वहाँ ना यार पेट भूख लग रही है तो खा ही लेते हैं। आज हम डिनर में बनाने वाले हैं पानी पूरी, तो पानी पूरी के लिए हमने रख दिए हैं आलू बॉयल होने के लिए और ये जो पानी पूरी मैजिक है इससे बनाने वाले हैं। कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मसाला बनाना है जो कि मैं बना रही हूँ और ये पूरी और ये सब चिकू आके तलेंगे क्योंकि चिकू ने बोला एक मैं प्रिपेयर करूँगा, तो ओके अपन आराम फरमाएं, आराम से क्या फरमाएंगे, पीछे पीछे घूमना पड़ेगा उनके। तो फ्रेंड्स चिकू आ गए किचन में, आज तो बहुत कुछ स्पेशल बना के खिलाने वाले हैं जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर है, उसको सिर्फ तलना है। और जैसे कि हमने बताया था
हम घूमने जाने वाले थे इससे पहले ही मैंने बताया था ना कि हम पानीपुरी बनाएंगे, वो इसलिए बना नहीं पा रहे थे क्योंकि हमको घूमने जाना था। घूमने जाके आ गए फिर बना रहे हैं हम पानीपुरी। तो पानीपुरी की पूरियाँ तल रहे हैं चिकू, मसाला मुझे बनाना है पूरा ऑलरेडी अच्छे से सब बना हुआ है। तो पूरियाँ हमको थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, नहीं टिश्यू रखो ना, नरम तो नहीं होगी, नहीं तो हाँ आलू भी बॉईल हो गए होंगे तो इसको तो इस तरह से रख देते, फालतू गुस्सा करता रहता है। हम बनाते हैं पानी पूरी, आप देख के एंजॉय करो। एक फूली नहीं ना, अब ये पानी पूरी हम पूरी तरीके से बनाते हैं, अगर अच्छी बनी तो आप भी आपके घर पे ज़रूर ट्राई करना। पूरियाँ तल चुकी हैं मस्त फुली फुली, कुछ कुछ बेचारी पॉपटी भी निकली है पर वो हम आपको बताएंगे। और ये यहाँ पर तीन प्रकार के पानी बन रहे हैं जो कि इस पैकेट में अलग अलग पैकेट आए, इस पैकेट में अलग अलग पाउचेस आए हुए हैं इमली की चटनी के, इसके बाद ये पुदीना की चटनी के, सारे अलग अलग हैं। और ये मसाले की तैयारी और यहाँ पर चटनी बनाते हुए, आज खाना बनाने में जोर नहीं आ रहा, हालांकि जोर तो वैसे भी नहीं आता पर पति साथ में इसलिए बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इच्छा से बन रहा है ना आज खाना। प्लेट्स की हालत देख के और आप कटोरे सब देख के समझ ही गए होंगे कि पानीपुरी कितनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी हाइजेनिक पानीपुरी खाई है हमने सब हाथों से बना के, और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी पूड़ियाँ बनी थी। मम्मी आपको कैसी लगी पानीपुरी, प्रॉपर रिव्यू चाहिए? हमको बहुत अच्छी लगी, बस पूड़ियाँ थोड़ी बड़ी थी पर मुंह में आ नहीं रही थी, ज़बरदस्ती खाई है। पूड़ी बड़ी थी बाकी। टेस्ट में क्या लगा आपको? टेस्ट में तो एक नंबर, एक नंबर। तो अगर आप भी पानी पूरी घर पे बना के खाना चाहते हैं तो आप ये वाला पैकेट पैकेज दीपक जी को बोल देना वो बना के आ। पूरी थोड़ी सी बड़ी थी, मुड़ू सुलाई तीन पूरी बची है सिर्फ, मुड़ू सुलाई जी। ये वाली पानी पूरी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको खानी हो तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। पूड़ियाँ वगैरह सब कंप्लीट और मसाला भी फिक्सम फिक्स बना था, सिर्फ चटनियाँ रह गई है पर चटनियाँ तो वैसे ही नहीं खाएंगे तो इनको कर देंगे थ्रो और बाकी सब हुआ ख़त्म। और अब मेरी वीडियो जारी है एडिट पर, तो एडिट के लिए सेटअप निकाला जाए और एडिट की जाए। पानीपुरी खा के तो इतने एनर्जेटिक हो गए, मज़ा ही आ गया। थोड़ी देर बाहर वॉक करने के लिए गए थे तो वॉक की और बस यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। और मेरा व्लॉग भी मैं देख रही हूँ, ट्रैवल व्लॉग तो मज़ेदार है और आपने देख ही लिया होगा, लाइक वाला बटन भी दबा ही दिया होगा, मज़ा आ गया, दबाया देगा इतना ज़बरदस्त लाइक ऐसे उठ के आ जाता है तुरंत और डिसलाइक करो कुछ नहीं मिलता है तो लाइक करने में ज़्यादा फ़ायदा है ना। चलिए तो यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय बाय। कहने से पहले मैं एक चीज़ और बोल देती हूँ, अगर आपको मेरा ट्रैवल व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो तो इतने लाइक्स करो इसके ऊपर, इतने कमेंट करो तो मैं और भी घूमने जाऊँ और भी आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। बाय।